नमस्कार आदाब, माय नेम इज शर्तंजुम, आई एम मदर ऑफ संदेश शादा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2 साल पहले ही मैंने अपनी बेटी का एडमिशन बाल भारती पब्लिक स्कूल में करवाया था। तब मुझे स्कूल के बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद स्कूल की जो पढ़ाई का फॉर्मेट है वो समझ में आने लगा और धीरे धीरे इन 2 सालों में मेरी बेटी का कॉन्फिडेंस लेवल एकेडमिक एज वेल एज अदर एक्टिविटीज़ में भी यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। और सबसे अच्छी बात है स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल सर जो हमेशा ही हमारे बच्चों को इनकरेज करते हैं कुछ नया करने के लिए और हमेशा उनके साथ खड़े रहे। कोरोना महामारी की वजह से आज हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी पढ़ाई बंद नहीं हुई। उनकी पढ़ाई अभी भी वैसी ही चल रही है, बस थोड़ा माध्यम बदल गया है। अब क्या है, हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और इस ऑनलाइन क्लासेस में भी टीचर्स उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी वो स्कूल में करते हैं। हाँ, थोड़ा सा पढ़ाई में डिफरेंस है, बच्चे उस तरीके से मैडम से क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं जैसे वो क्लासेस में पूछते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे उस पढ़ाई से कहीं ना कहीं इंगेज हैं। नहीं तो अगर हम ऑनलाइन क्लासेस भी उनको नहीं देंगे तो हमारे बच्चे दिन भर सिर्फ खेलेंगे या मोबाइल चलाएंगे। लेकिन आज ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उनको एक टाइम बना हुआ है और वो पढ़ने बैठते हैं। तो आज इस महामारी में जिस तरह से हमारे बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत है, उसी तरह हमारे टीचर्स को हमारी ज़रूरत है। तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम अपने बच्चों की टीचर्स का हौसला बढ़ाएं, उनका मनोबल बढ़ाएं, और इस मनोबल के लिए हमें बस थोड़ा सा काम करना है। हमें अपने बच्चों के स्कूल की ट्यूशन फीस जमा करनी है जो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम समय से अपने बच्चों की ट्यूशन फीस जमा करेंगे तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इसमें कोई बाधा नहीं आएगी और हमारे बच्चे लगातार अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। धन्यवाद।